दोस्तों, रणवीर सिंह ने सिम्बा से ये साबित कर दिया कि बीते साल उन्हीं के नाम रहा। यही नहीं दोस्तों, रोहित शेट्टी के लिए गोलमाल अगेन और चेन्नई एक्सप्रेस के बाद ये तीसरी फिल्म है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। रिलीज के 13 दिन बाद भी सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार बिजनेस कर रही है। रणवीर सिंह के लिए साल 2018 की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों, इसके बाद साल के आखिर में रिलीज हुई सिम्बा ने अब तक 202 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस तरह दोस्तों, रणवीर सिंह की दो फिल्मों ने कुल 504 करोड़ 98 लाख की कमाई कर ली है। दोस्तों, सलमान खान के बाद रणवीर सिंह दूसरे ऐसे एक्टर बन गए जो एक ही साल में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए। दोस्तों, सलमान खान ने साल 2015 में यह कारनामा करके दिखाया था। बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ और प्रेम रतन धन पायो ने 210 करोड़ का बिजनेस किया था। दोनों फिल्मों के कुल कलेक्शन को अगर मिला दे तो दोस्तों, एक साल में सलमान खान की फिल्म ने 530 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान पहले ऐसे एक्टर है जिन्होंने एक साल में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए थे। दोस्तों, 13 दिन के कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक सिम्बा ने अभी तक 206 करोड़ 76 लाख रुपए जुटा लिए हैं। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ सारा अली खान और सोनू सूद का अहम रोल है। दोस्तों, सारा अली खान की ये साल की दूसरी फिल्म है। सिम्बा साउथ की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का हिंदी रीमेक है। दोस्तों, फिल्म एक भ्रष्ट पुलिस वाले की कहानी होती है जिसका नाम है सिम्बा। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों, करण जौहर ने एक पार्टी होस्ट की। पार्टी में रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह, अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ नजर आए। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म में अजय देवगन केमियो रोल में है जो कि सिंगम बने हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।